अमेरिका ने गजा में लड़ाई को लेकर दुनिया के सामने इसराइल को एक बार फिर नसीहत दी है। अमेरिका ने कहा है कि गजा के रफा में जमीनी लड़ाई इसराइल की गलती होगी और इससे निर्दोषों की जाने जाएंगी। हुआ यह है कि इसराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद जैसे जैसे गजा के बाकी हिस्से तबाह होते गए वैसे वैसे गजा के आम लोग रफा की तरफ भागने लगे। अब खुद अमेरिका का मानना है कि इन लोगों के पास रफा के अलावा गजा में कोई सुरक्षित जगह नहीं है। चलिए विस्तार से बताते हैं कि अमेरिका ने आखिर इसराइल से क्या क्या कहा है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने बताया है कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच फोन पर बात हुई है। सुलिवन के मुताबिक बाइडेन ने बताया कि वो इसराइल द्वारा गजा सिटी और खान यूनिस की तरह ही रफा में बड़ा सैन्य अभियान चलाने की आशंका को लेकर क्यों इतने चिंतित हैं। इसके आगे सुलिवन ने बताया 10 लाख से ज्यादा लोगों ने रफा में शरण ली है। वे गजा सिटी से खान यूनिस और फिर रफा गए। अब उनके पास कोई सुरक्षित जगह नहीं है। गजा के दूसरे प्रमुख शहरों को बड़े पैमाने पर तबाह कर दिया गया है। सुलिवन ने कहा कि इसराइल ने अमेरिका या दुनिया को ये योजना नहीं बताई है कि वो कैसे और कहां उन नागरिकों को सुरक्षित पहुंचाएगा। सुलिवन ने कहा कि रफा मिस्र से गजा में मानवीय सहायता पहुंचाने का प्रमुख प्रवेश बिंदु है और अगर रफा में सैन्य अभियान चला तो ये बिंदु बंद हो जाएगा। अमेरिका ने कहा है कि हमास को रफा या कहीं और पनाह ना दी जाए लेकिन वहाँ एक बड़ा जमीनी अभियान चलाना गलती होगी। इससे बहुत सी निर्दोष जाने जाएंगी। पहले से ही गंभीर मानवीय संकट और बढ़ेगा। गजा में अराजकता बढ़ेगी और इसराइल अंतर्राष्ट्रीय रूप से और अलग थलग होगा। सुलिवन ने बताया कि बाइडेन और नेतन्याहू ने गजा में हमास और अन्य आतंकियों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई के बदले में कई हफ्तों के लिए संघर्ष विराम को लेकर चल रही बातचीत पर भी चर्चा की। बाइडेन ने इसराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि इसराइल को हमास पर हमले करने का अधिकार है जिसने यहूदी लोगों पर भयानक हमला किया था। सुलिवन ने बताया कि नेतन्याहू रफा में हमास आतंकियों को निशाना बनाने के लिए किसी वैकल्पिक तरीके और जमीनी स्तर पर बड़ा हमला किए बगैर मिस्र गजा सीमा को सुरक्षित बनाने पर चर्चा करने के लिए इजरायली अधिकारियों का एक दल वॉशिंगटन भेजने पर भी राजी हो गए हैं। गजा में युद्ध के बीच बहुत से लोग बेघर हो गए हैं। इन लोगों के सामने खाने का बड़ा संकट भी खड़ा हो गया है। ऐसे में अगर जल्दी से हालात में सुधार नहीं हुआ तो गजा में आम लोगों से जुड़ा संकट और बढ़ सकता है।